भाभी सुने, वो सफाई वाला कपड़ा कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। सब पागल है। अब तुम्हें पता चलेगा मेरी जान, बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। याला ने कहा था अगर तुमने मेरी अम्मी को ढूंढने की कोशिश की तो तुम मुझे खोदोगी और मैं तुम्हारे भाई को खोना नहीं चाहती। तुफैल क्या कर रहे हो? उतारो मुझे नीचे। तुफैल मुझे नीचे उतारो। दादियों से सेवा मत करना। दादियों से मत सेवा करना। तुफैल उतारो मुझे नीचे। मत करो यार, नीचे उतारो। तुम इसे संभालो तुफैल, मैं जाके उसे ज़िबा करती हूँ। बात सुनो मेरी। लैला, तुम्हें लगता है मैं ऐसा करूंगा? मुझे क्या पता। अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मुर्गा भी मैं ही लेकर आता। तुम घबराओ नहीं, मैं उस्मान भाई के फार्म पे छोड़ाता हूँ उसे, ठीक है? इसका मतलब ज़िबा नहीं करोगे ना तुम? नहीं, मैं ज़िबा नहीं करूंगा, लेकिन अगर तुम ऐसे देखती रही तो फिर क्या करोगे? करके दिखा देता हूँ तुम्हें मैं। भाभी सुने, वो सफाई वाला कपड़ा कहाँ है? मुझे मिल नहीं रहा। इस कपड़े की तो मैं बता रही हूँ, वो दोनों जालिम औरतें मिलके ज़िबा कर देंगी उस बेचारे मुर्गे को हमारी गैर मौजूदगी में। तुम इतना परेशान मत हो, कुछ नहीं होने दूंगा मुर्गे को मैं। आराम से बच्चा, आराम से, भागना मत समझे। देखो तुफैल, मेरी बात सुनो, तुम जानते हो मैंने मन्नत मानी थी और अगर पूरी नहीं की तो। आप फिक्र नहीं करें दादी जान। हाँ। मैं कुछ ना कुछ चैरिटी में देकर आपकी मन्नत पूरी कर दूंगा। हाँ। मासूम जानवर को तो कुर्बान ना करें ना आप लोग इन बातों पर। लेकिन बेटा मैंने तो कहा था कि मैं ऊंट को भी। दादी जान, समझे बात को। पता नहीं क्या होगा इनका। आजकल के बच्चे नहीं समझते बातों को। सब पागल है। कुछ नहीं हो सकता इन सबका। पागल लड़की, अब इसका क्या करूं? वो पागल जीत गई। जाओ वापस रखे आओ ये सब। तुम जाओ। और कितना इंतजार कराओगे? आप भी जाओ ना। हाँ? ओ भाई शुक्र है। अब तुम्हें पता चलेगा मेरी जान, बड़ा सरप्राइज है तुम्हारे लिए। अब मेरी बारी है बॉम्ब ब्लास्ट करने की। कितनी परेशान थी, फिर पता चला कि तुम अपने घर गए हुए हो। क्यों गए थे वहां? ठीक हूं मैं, बस थोड़ी देर अकेला रहना चाहता था इसलिए चला गया था। अब वापस आ गए हो तो सब कुछ ठीक है ना? हाँ। अब क्या दिल कर रहा है? मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर दोबारा उस घर में कुछ वक्त के लिए जाऊं। हम दोबारा वहां जाके क्या करेंगे? हम वहां मिलके मेरी बर्थडे मनाएंगे। तुम्हारा बर्थडे है? फजूल चीजों में इतना बिजी हो गए कि ये याद ही नहीं रहा। प्लीज जालन, मुझसे नाराज नहीं होना, मुझे माफ कर देना। अच्छा चलो, मुझसे कहो ना कि तुमने मुझे माफ कर दिया। I'm so sorry, sorry, I'm sorry मेरी जान। मेरी सालगिरह भूल गई कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा उन सब चीजों में उलझने की वजह से नहीं हुआ, ठीक है ना? हाँ ठीक है, मुझसे गलती हो गई है। तुम भी ताने देने से बाज नहीं आते। जो कुछ भी होना तो हो गया ना, और मैंने अब तुमसे वादा किया है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। पक्का? बिल्कुल, यकीन है ना तुम्हें?
यार यालेन। आई, यालेन, यालेन कोई देख लेगा हमें। यालेन, क्यों ना आज ऑफिस के बजाय हम दोनों कहीं बाहर चले। चलो ना। अच्छा चलो ये बताओ कि और कौन कौन होगा वहां पर। डेफने, तुम्हें से क्या फर्क पड़ता है? गुड मॉर्निंग सोमन। ओह यालेन सर, आ ही गए आप आखिर। हाँ सोमगल, मैंने सोचा कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूं। वैसे मैं हर चीज के लिए दिल से तैयार हूँ सर। दादी कहती हैं सच्चे इंसान की कदर करने वाले लोग नहीं होते। सोमगल, मेरे लिए कॉफी लेकर आओ, जल्दी जाओ। ब्लैक कॉफी। कसम से हद होती है। बात सुनो, क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में? अगर बुरा ना माने तो एक बात कहूँ आपसे मिस डेफने, आपके बॉयफ्रेंड को बीमारी है एटीट्यूड की। और दूसरी बात, सारा काम डिस्टर्ब होके रह गया है, ऐसे नहीं चलता ऑफिस। खैर मुझे क्या, मैं तो चली अपनी कॉफी बनाने, लेकिन आप मेरी बातों को जरा गौर से सोचिएगा। ओहो, आ, ये बताओ कि यशिम आई है? आप जाकर खुद देख लें। हाँ यशिम, यशिम। नहीं डेफने। यार ये क्या बात हुई भला, मेरी बात तो सुनो पहले। मुमकिन है मैंने वर्ल्ड पीस के बारे में बात करनी हो, या फिर परफ्यूम्स डिस्पोज करने की बात करनी हो, क्योंकि उससे ओजोन लेयर पे फर्क पड़ता है, या फिर तुम कहोगी कि तुम्हारी अम्मी को जाने देते हैं। मुमकिन है, हो सकता है, यही कहने आई थी। सही समझी हो तुम। क्यों डेफने? क्या क्यों? तुम क्यों चाहती हो कि वो चली जाए, ये पूछ रही हूं मैं तुमसे डेफने। तुम वजह जानती हो यशिम, यालन नहीं मिलना चाहता उनसे। तुम जानती थी कि भाई नहीं मिलना चाहते उनसे, है ना? बोलो अब सही वजह बताओ कि तुम ये क्यों चाहती हो डेफने। ठीक है, याले ने कहा था अगर तुमने मेरी अम्मी को ढूंढने की कोशिश की तो तुम मुझे खो दोगी, और मैं तुम्हारे भाई को खोना नहीं चाहती। लेकिन मैं अपनी अम्मी को सिर्फ इसलिए नहीं खो सकती कि तुम मेरे भाई को ना खो दो। मेरी अम्मी मेरी शादी में जरूर आएंगी। क्या? तो मेरी अम्मी अब मेरे पास है, मेरी अम्मी है। अब मैं उन्हें पिक करने जा रही हूँ, ठीक है? और हम दोनों साथ मिलकर घर देखने जा रहे हैं, और शादी की तैयारियां भी उन्हीं के साथ करूंगी। देख लेना तुम, बस खड़े होके देखती रहना। मगर ये बात सुनो, मेरा क्या होगा, मेरी तो किसी को परवाह ही नहीं। क्यों दसदा नहीं मैनू किथे लग तेरा दिल गया वे, मैनू लगदा तेनू कोई होर मिल गया है।